आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, तानाशाहों को सच की बुलंद आवाज कभी पसंद नहीं आई। मौजूदा दौर में हिंदुस्तान का इतिहास वही करवट ले रहा है। तानाशाह गद्दी पर है और सच की आवाज के रूप में राहुल गांधी जनता के साथ खड़े हैं। तानाशाह को राहुल गांधी का सत्य के साथ खड़ा होना पसंद नहीं आ रहा है और ईडी के समन का सहारा ले रहा है ताकि भूमि अधिग्रहण के जरिए किसानों की जमीन पर कब्जे की भाजपाई कोशिश को नाकाम करने वाले राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा सके। नोटबंदी में जनता के पैसों की लूट के खिलाफ उठने वाली राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा सके। गब्बर सिंह टैक्स की कलाई खोलकर व्यापारियों छोटे दुकानदारों के साथ खड़े होने वाले राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा सके। काले कानूनों के खिलाफ किसानों की ढाल बनने वाले राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा सके। चीन के मसले पर भाजपाई नाकामी के खिलाफ देश की संप्रभुता के लिए आवाज उठाने वाले राहुल गांधी की आवाज को दबाया जा सके। नफरत, बेरोजगार युवाओं, महिलाओं, दलितों, पीड़ितों की रक्षा के लिए हमेशा सच की आवाज बनने वाले राहुल गांधी के कदमों को रोकने के लिए तानाशाह ईडी के समन का सहारा ले रहा है। दरअसल वो तानाशाह चाहता है कि उसकी नाकामियों और अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए और जो आवाज उठाएगा वो डराया जाएगा। अगर वो तानाशाह कान खोल कर सुन ले, ये गांधी का वंशज है, इसे रोक नहीं तुम पाओगे। सच की इस लड़ाई में राहुल से जीत नहीं तुम पाओगे। जय हिंद।